इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com। बड़े आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामनावराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय, मुनि संघ की जय जय जय, तीर्थ समय शिखर जी की अहिंसा मई जैन धर्म की, तीर्थ समय शिखर के श्रम क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित दिव्य देश मंडप में उपस्थित आप सभी भव्यजनों का एवं अपने अपने घरों में बैठ करके पारस जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का इस गुणायतन परिवार एवं श्री सेवादान परिवार की ओर से अभिनंदन करता हुआ आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूँ जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज जो सुविख्यात हैं गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्ष समय के रूप में जिनकी सुमधुर वाणी से सटीक समाधान प्राप्त करके आप हम सब अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं। आज ऐसे गुरुचरण से हम जुड़े उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का शुभाशीष हमें प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारिये नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज हमारे बीच में अपने प्रश्न लेकर के बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। पहला प्रश्न करेंगे अचिंत जी श्रीमती हनी जी जैन सिंगापुर से। नमोस्तु महाराष्ट्री एवं मंच पे विराजमान सभी छुल्लक महाराष्ट्र को इच्छामी। महाराष्ट्री मेरा ये प्रश्न इस बात से संबंधित है जैसे मैं विदेश में रहता हूँ तो वहाँ पर भी बच्चे पैदा होते हैं और वहाँ पर मुंडन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि भारत में देखें तो मुंडन के पीछे बहुत बड़ा एक सामाजिक लगाव है। तो इस संबंध में ये जानना चाहता हूँ कि जैन धर्म का मुंडन संस्कार के बारे में क्या कहना है, ये क्या होना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका थोड़ा सा विस्तार से अगर चर्चा करें तो बहुत सब। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। अचिंत भाई सिंगापुर में रहते हुए प्रमाणिक समूह के लिए बहुत तत्परता से काम करते हैं, ये उसके कोऑर्डिनेटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है ऐसे ही करते रहे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैन धर्म में मुंडन संस्कार का क्या विधान है। आदि पुराण में गर्भान्वय कर्तान्वय दीक्षान्वय की क्रियाएं बताई, उनमें से एक चौल कर्म संस्कार, चौल कर्म संस्कार जिसके विषय में लिखा है कि जब बच्चा 12वें महीने में प्रवेश करे तब उस बच्चे को का मुंडन संस्कार करना चाहिए और मुंडन संस्कार के पूर्व गंधोदक से बाल गीला करना चाहिए और मुनियों से उस बच्चे को आशीर्वाद दिलाना चाहिए। तो इसमें दो बातें उभर के सामने आई कि पहली बात तो बच्चे का मुंडन 9वें महीने की जगह 12वें महीने में करना चाहिए, प्रायः 9 महीने का रूढ़ हो गया है लेकिन आदि पुराण में 12वें महीने का लिखा। और दूसरा मुनियों से आशीर्वाद दिलाना है तो मुंडन वहीं कराओ जहाँ मुनि महाराज, ये व्यवस्था हमारे यहाँ है, वो हमारी एक परंपरागत संस्कार है और इसलिए छौर कर्म होना चाहिए, उससे बाल भी अच्छे आते हैं और एक उसका संस्कार ऊपर होता है। नमोस्तु महाराष्ट्री। उपस्थित श्रीमान आशीष जी शाह पुणे से। नमोस्तु महाराष्ट्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है ओमकार रूपी, तो उसे जानने के लिए गंधर्व परमिष्ठ को मन पर्याय ज्ञान से कैसे जान लेते हैं? अगर
पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आशीष भाई का जोरदार अभिनंदन करें। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी भी ये विभिन्न परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ भी एक विशेष परामर्श के लिए उपस्थित हुए हैं और लोगों को भी ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने पूछा है भगवान की वाणी समोसरण में सर्वांग से खिरती है तो गणधर स्वामी मनःपर्य ज्ञान से कैसे जानते हैं? वो मनःपर्य से नहीं जानते, उनके पास संभिन्न श्रोतित्व, कोष्ठ बुद्धित्व और दूर श्रवणत्व बुद्धि होती है। इन बुद्धियों से कोट बुद्धि, बीज बुद्धि और संभिन्न श्रोतित्व नाम की बुद्धि, बीज बुद्धि, रिद्धियाँ होती, उसके बल पर वे भगवान की वाणी को समझ सुनते हैं, सुनकर अपने हृदय में धारण करते हैं, बुद्धि के कोठे में धारण करते हैं और वो हमें प्रतिपादित करते हैं। आइए श्री महाप्रदीप जी का साहब। गुरुदेव, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के क्षेत्रों में कुछ ग्रामवासी जनजातीय जैन बंधु रहते हैं जिन्हें हम सराग के नाम से जानते हैं। गुरुदेव, चूँकि मूलधारा के साथ में उनका संपर्क कई सौ साल पहले छूट गया था, तो कहीं ना कहीं जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था, उनके जैनत्व में या जैन संस्कारों में कुछ न कुछ कमी आ गई है। ऐसे में यदि मूलधारा के लोग तन मन धन से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका ये प्रयास उनके पुण्य में कैसे सहायक होगा, इस पर प्रकाश डाले गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अब प्रदीप भाई का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। ये गुणायतन से तो संबद्ध है ही, सराख जैन बंधुओं के उत्थान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इनके मन में वही चिंता है और ऐसी चिंता सबके हृदय में होनी भी चाहिए। जहाँ तक सराख समुदाय की बात है, ये विशुद्धतया जैन समुदाय रहा। काल के प्रभाव से वे सब हमसे अलग हो गए, जैन धर्म से भी विमुख हो गए, लेकिन आज भी उनने अपने संस्कारों को नहीं खोया और बहुत संभावनाएं उनमें हैं। अगर ठीक तरीके से काम हो तो बहुत कुछ काम हो सकता है। आज भी मेरे पास वहाँ के कई कार्यकर्ता आए, बातचीत में एक ही बात समझ में आई कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल कमी है तो एकमात्र ज्ञान की। यदि उन्हें सही ज्ञान दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को मिलजुल करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए और गुणायतन इस बात के लिए अब पूरी तरह कटिबद्ध है और आप लोगों को भी अब कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। जी गुरुदेव, आगामी 24 से 28 तारीख तक यहाँ पंच दिवसीय एक शिविर भी आयोजित है जो सराक बंधुओं के मध्य रहने वाले कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करके हैं, जिसमें लगभग 400 कार्यकर्ता शामिल होंगे जिन्हें एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार करके उस क्षेत्र में काम किया जाएगा। योजनाएं बन रही है और हमने खुद भी उस क्षेत्र में जाने का मन बनाया है। गुरुदेव का आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। बहुत जल्दी ये कार्यक्रम होगा। मैं आप सब से कहना चाहूँगा कि इस दिशा में हम लोगों को ठोस उपक्रम करने की ज़रूरत है। यदि ये हम लोग करते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसी उपलब्धि को हमें खोना नहीं है, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद है, उन लोगों के साथ यदि हमारा संपर्क और संबंध बनेगा तो हम आज उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर जैन धर्म के गौरव को बढ़ा सकते हैं। एक ज़माना था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन थी। समय काल के प्रभाव से अनेक प्रकार के भीतरी बाहरी आक्रमणों के प्रताप से हम छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन
आज भी यदि ठीक तरीके से प्रयास किया जाए तो हम काफ़ी कुछ स्थितियों को सुधार सकते हैं और वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी गुरुदेव। उपस्थित हूँ ब्रह्मचारी श्री एस डी जैन लखनऊ जो PhD में कर रहे हैं उदयपुर से, तैयार रहेंगे खूब सारी शुभकामनाओं के साथ। श्रीमान सुभाष जी रारा, सुनील जी रारा परिवार जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ है, खूब सारी शुभकामनाओं तैयार रहेंगे अपने जीजा जी के साथ डाल्टनगंज से टेस्टी गुणायतन। श्री मुनि श्री के चरणों में भाव कोटि वंदन। महाराज जी, सहजता से बोला जाता है कि दिमाग लगाओ या मन में विचारो या हृदय में भावना उत्पन्न करो, तो ये जो थोड़ा डिस्टिंग्विश होता है, तो मन, मस्तिष्क, हृदय और चेतना, इनमें जैन दर्शन, जैनिज्म के अकॉर्डिंग और फिलोसफिकल या साइंस साइंटिफिक के पर्सपेक्टिव से क्या भिन्नता है, थोड़ा कन्फ्यूजन। मन, मस्तिष्क, हृदय और चेतना, यदि हम मेडिकल के हिसाब से करें, साइंस के हिसाब से कहें, मन, मस्तिष्क और चेतना को मानते हैं। हृदय में केवल एक फंक्शन है, लेकिन हृदय में कोई बात बैठने की बात वहाँ नहीं। दर्शन की दृष्टि से कहें तो विभिन्न दर्शनों में चित्त और मन की परिणतियाँ हैं। मन और बुद्धि शब्द का भी प्रयोग होता है, तो बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से आ जाता है। मन जिसके बल पर हम संकल्प विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, वो मन और बुद्धि की बात विभिन्न दर्शनों में है। जैन दर्शन की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो मन, जिसे अंतस्करण भी कहते हैं, मस्तिष्क हमारे ज्ञान का द्योतक और चेतना हमारा उपयोग है, जो हमारे ज्ञान का एक अभिव्यक्त रूप है। अंतस्करण मन है, जिसे अनिंद्री भी कहा है और जिसके बल पर हम सब प्रकार के चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं, सोच विचार करते हैं, वह सब चेतना के मन के अंतर्गत आता है। सर्वार्थ ग्रहणम मन, ये मन की व्याख्या है। तो कुल मिलाकर हमारी जो मननात्मक परिणतियाँ हैं वो मन है, लेकिन हमारे जैन धर्म में मन और बुद्धि को अलग अलग से निरूपित नहीं किया गया, ये अलग अलग व्यवस्था है। गुरु जी के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रश्न हमारी पत्नी पूछे। गुरु जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, कभी देखा जाता है कि हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारी भावों में जितनी शुद्धता रहती है कि हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट अपने आप मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी क्रिया अनजाने ही कर जाते हैं जिसका भी हमें आभास नहीं होता है और हमको उसका नेगेटिव रिजल्ट भोगना पड़ता है। तो ये भावों और क्रिया का समन्वय कैसे हो? बिना कुछ प्रयास के क्रियाएं हो जाती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और कभी कभी बिना प्रयास के भाव होता है और नेगेटिव रिजल्ट आता है, यही पूछना चाहिए। नहीं, कभी कभी भाव इतने शुद्ध होते हैं लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिल जाता है, और कभी कभी क्रिया जिसको हम जानते भी नहीं, अनजाने ही हमसे हो जाती है और उसका हमें नेगेटिव रिजल्ट भोगना पड़ता है। देखिए, भाव का परिणाम तो होता ही है, भाव का प्रभाव है। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे परिणाम आते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो जब भी हमारे भाव बनते हैं, बदलते हैं, बढ़ते हैं, उसके सुपरिणाम हमारे जीवन में घटित होते हैं। तो जैसा भाव होता है वैसा प्रभाव। आपने कहा कुछ क्रियाएं हमसे हो जाती अनजाने में, लेकिन उसका परिणाम होता। क्रियाएं भले अनजाने में हुई है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई भाव तो हुआ है, वो एक संयोग है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, उसका परिणाम घटित होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक संयोग के रूप में घटते हैं, हमको उसका भी परिणाम भोगना पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान अभय जी शिल्पी जैन, जिन्होंने आज अपने बेटे रिद्धीश को गुरुदेव करकमलों से सेवा संस्कार दिलवाए, ऐसे श्री अभय जी हजारीबाग से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, शंका तो नहीं, जिज्ञासा है ये जानने की कि आज मेरे बेटे के संस्कार आपके कर कमलों द्वारा हुआ, तो इसके महत्व और प्रभाव के बारे में मैं जानना चाहती हूँ।
देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बच्चों के लिए एक संस्कार बताया है जो जैन संस्कार उपनीति संस्कार। 8 वर्ष का होने के बाद वह कर्म से जैन बन सकता है और जैन धर्म को ग्रहण करने की सम्यक दर्शन को प्रकट करने की योग्यता उसके अंदर 8 वर्ष में ही आती। तो हमें 8 वर्ष में विभिन्न मंत्रोच्चारों के साथ बच्चों को हृदय में वो संस्कार आरोपित करना चाहिए, उन्हें संकल्पों के बंधन में बांधना चाहिए, अष्टमूल गुणों का आरोपण करना चाहिए ताकि कालांतर में वह बड़ा होने पर भटकाव से बचे। यदि बच्चों के मन में ये रहता है कि मैंने 8 वर्ष में ये संकल्प लिया है, मुझे इस संकल्प को निभाना है, ये मेरा मूल गुण है और मुझे जैन धर्म का अच्छे तरीके से पालन करना है, तो वो उनके भविष्य को बहुत अच्छा बनाता है। तो ये परंपराएं लगभग छिन्न हो गई थी, पिछले कुछ वर्षों से लोगों की जागरूकता आई। तो ऐसा जब होता है तो मैं देखता हूँ बच्चों में भी बड़ा उत्साह होता है और ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो 10 साल पहले ऐसे संस्कार कराए आज 18-19 साल के हो गए, वो बच्चे कहते हैं महाराज आपके द्वारा दिए गए संकल्प और संस्कार से आज मेरा जीवन पवित्र बना हुआ है। आज तुम्हारा बेटा रिद्धीश है, छोटा सा है, लेकिन ये जब बड़ा होगा, ये संस्कार इसके हृदय में पल्लवित होंगे, इसके हृदय में देवसास गुरु के प्रति जुड़ाव बनेगा, तो ये इसके जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। तो बच्चों के अंदर ये संस्कार बनने चाहिए और उन्हें फिर जिनसे संस्कार कराया उनके चरणों में लाते रहना चाहिए ताकि उनके हृदय में ये भावबोध बना रहे कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे आदर्श हैं, हमें इनका उल्लंघन नहीं करना है, इनकी बात को नहीं टालना है, हमें इन्हें अपना आदर्श बनाकर चलना है, तो भटकाव से बचा जा सकता है। इसलिए अपने बच्चों और बच्चियों का 8 वर्ष की अवस्था में संस्कार जरूर कराना चाहिए। आइए बेटी श्री रौनकी जैन सेहपुरा से, जबलपुर से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते श्रीमान नरेंद्र जी जैन समाज अध्यक्ष। महाराज जी आज मुझे शुभम भैया के द्वारा ये गुड़ायतन का पूरा मंदिर दिखाया गया और सामने का ऑडिटोरियम भी दिखाया गया। महाराज जी आपके मुख से भी एक बार सुना था कि 2007 में जब गुड़ायतन का आपने सोचा और 2014 तक उसके जो भी मूड बोर्ड्स बने वो स्टोरी एक साइड हो गई थी, फिर नई स्टोरी आई। महाराज जी वहाँ जब जाके देखा तो सही में भी वहाँ ऑडिटोरियम में देख के सिर्फ वाह ही निकल रहा था, इतना अच्छे से उसे बनाया जा रहा है। तो महाराज जी इसको बनाने के दौरान कई बार आपको तनाव हुआ होगा या ऐसा कुछ, तो आप उसे कैसे हैंडल करते थे? पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार रौनक भाई का जोरदार अभिनंदन। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के उपरांत परम पूज गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया, अब वर्तमान MBA CA और वर्तमान में गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित हथकरघे के सारे उपक्रम को आगे बढ़ा रहे पूरा जीवन लगाकर, और आज उसी सिलसिले में यहाँ पर आए। तुमने जो सवाल किया कि इतने बड़े उपक्रम को आगे बढ़ाने में कुछ तनाव तो हुआ होगा, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे ऊपर कभी तनाव हावी नहीं। मैं चिंतन करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं करता। मेरे जीवन का ये मंत्र है चेष्टा करो चिंता नहीं, और मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि यदि व्यक्ति सही भाव और लगन से कोई काम करे तो जरूर उसका परिणाम आता है। मेरा एक स्वभाव है कि किसी भी काम को हाथ में लेता हूँ तो जब तक उसे उसके चरम तक नहीं पहुँचाऊँ दम नहीं लेता। गुणायतन की परिकल्पना मेरे मन में जब आई तो मन में एक ही बात थी कि कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मुख से निकले वाह। 2007 से 17 तक 10 साल की R&D करने के बाद 3-3 स्टोरी बोर्ड बनी मेरे सामने, लोगों ने लाके दिखाया पर मुझे वो मज़ा नहीं आया, वाह नहीं, मैंने उन सबको डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन मैं मानता हूँ कि सतत परिश्रम करने से परिणाम जरूर आते हैं, गुणायतन उसका उदाहरण। अब वाह ही निकलता है महाराज जी, अभी तो वह सब आकार ले रहा है, थोड़े दिन और देखिए जरूर वह सब उभरेगा, और निरंतर प्रयत्न करने से परिणाम आता है। तनाव
का जहाँ तक सवाल है, तनाव तब आता है जब व्यक्ति रुक जाता है। आदमी चलता रहे तो उसके अंदर तनाव नहीं, उत्साह और स्फूर्ति बनी होती। मैं आप सब से भी ये कहना चाहूँगा, जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलो तो अपने सामने केवल अपने लक्ष्य और टारगेट को रखो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। बस कैसे होगा ये भूलो, कैसे करना है ये सामने रखो, तो अपने आप रास्ता निकलता जाता है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी का मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की उच्चतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम हो रहा है। इस तरह के लोग जुड़े, अपने आप चीज़ें आती है और भावनाओं में आते हैं। यहाँ मेरे मन में एक बहुत पहले से भावना थी, 1992 से कि समोसरण की संरचना धरती पर होनी चाहिए जैसे शास्त्रों में लिखा। जब विदिशा के लिए जा रहे थे तब वहाँ शीतलनाथ भगवान के कल्याणक भूमि होने के कारण विदिशा में गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान चार कल्याणक भद्रपुर विदिशा में हो, तो वहाँ योजना थी कि एक समोसरण बने। तो मैं चाहता था कि ऐसा समोसरण जैसा शास्त्र में लिखे, बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए, एक बड़ा भूखंड भी वहाँ ट्रस्ट ने लिया था, लेकिन वो काम वहाँ नहीं हो पाया। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से विदिशा में समोसरण की संरचना हो रही, लेकिन वही समोसरण पल्लवित होकर आपको गुणायतन में देखने को मिलेगा। और वो गुणायतन का समोसरण ऐसा समोसरण मानो साक्षात भगवान महावीर का समोसरण, एक योजन के स्केल का। भले आप वर्चुअली दिखोगे लेकिन उसमें आपको एक्चुअल दिखेगा, वर्चुअल में भी एक्चुअल दिखेगा, वो एक्सपीरियंस होगा, वो फीलिंग आएगी। टेक्नोलॉजी का उसमें पूरा का पूरा उपयोग होगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा है। मैं मानता हूँ लगन निष्ठा के साथ यदि व्यक्ति कोई काम करता है तो परिणाम जरूर है। महाराज जी, आप गुरु जी के साथ इतने लंबे समय रहे, एक संस्मरण जो आपके हृदय स्थल पर हमेशा रहता हो। देखो, गुरुदेव के संपर्क में तो इतने क्षण बीते हैं, संस्मरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी संस्मरण जो होता है प्रसंग पर ही याद आता है। आपने वर्तमान प्रसंग में पूछा है तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ। गुरुदेव से मैंने जो सीखा, कुंडलपुर का जो महोत्सव था, कुंडलपुर के महोत्सव में अभी वाला नहीं, 2001 का, उस समय वहाँ की व्यवस्थाओं में मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था। बहुत बृहद आयोजन था, 20 लाख लोग उस आयोजन में सम्मिलित हुए थे। उस आयोजन के दौरान कुछ गड़बड़ चल रहा था अंदर खाने। मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि कुछ जगह इस भाव से अनुष्ठान हो रहा है कि इस आयोजन में विघ्न आए, कुछ लक्षण भी घट रहे थे। मैं देखा आयोजन के 3 दिन पहले जहाँ VIP टेंट लगा था आग लगी, उसमें आग लगी, कुछ सांप बिच्छू बहुत निकल रहे थे, और कुछ कार्यकर्ताओं में आपसी बड़ी तनातनी चल रही थी। मेरा मन थोड़ा सा घबराया कि कार्यक्रम सिर पे है, 3 दिन बाद कार्यक्रम होना है, और सूचनाएं थी कि ऐसा वैसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव ने मेरी पूरी बात सुनी, और पहला तो उनने कहा लोगों को जो करना है करने दो, अपने को अपना काम करना है। पहला वाक्य इससे पहले बोला चिंता मत करो, बड़े बाबा का काम है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे, पहला वाक्य तो उनका ये। फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अपने को अपना काम करना है, लोगों को अपना काम करने दो, हमें अपने काम से काम रखना, सब ठीक हो जाए। मैंने कहा गुरुदेव मामला गड़बड़ हो रहा, आप एक बार बुला के समझा दो,
तो सब ठीक हो जाएगा। बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी को अपना काम करने दो। बोले नहीं महाराज, समझा दीजिएगा आप तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम समझा दो। हमने कहा ठीक, आशीर्वाद दो, मैं समझाता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैंने अपने कक्ष में बुलाया और थोड़े ही देर में सबका मन साफ हो गया और आयोजन सफल हो गया। गुरुदेव का ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है, अपने को अपने काम से काम रखना चाहिए, अपना काम करो बाकी काम सब हो जाएगा। बाधा और व्यवधान तब आते हैं जब हम परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी एकाग्रता को खंडित कर देते हैं। अपनी एकाग्रता बना के रखे तो ऐसी दुविधाएं कभी। नमोस्तु महाराज। आइए श्री मनरंजन जैन सहपुरा भटौनी से, समाज अध्यक्ष भटौनी सहपुरा। नमोस्तु भगवान। सहपुरा में आर्य रत्न अक्षय मती जी, निर्बलमती माता जी विराजमान हैं, उनका भी आपके चरणों में कोट सा नमन। संपूर्ण जैन समाज सहपुरा का नमन। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, कुछ वर्षों से अभी हम लोगों ने पूजन अभिषेक के पश्चात स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया है और ये 12 महीने चलता है। पूरी समाज बैठती है और स्वाध्याय करते हैं, युवा साथी भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। और अभी स्वाध्याय चल रहा था, पर जी हमने रत्नगंडक साहब का चार पढ़ रहे थे, उसमें स्थितिकरण अंग आया और उसमें आचार्य महाराज ने समझाया कि दर्शन और चारित्र से यदि कोई गिरता है तो उसको स्थितिकरण के लिए धर्म वात्सल्य से कर देना चाहिए। मगर जी ज्ञान को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और आगे बात, दर्शनात् चरणात् वापी है ना, वा का मतलब क्या है, ज्ञानात् वापी। कहीं से गिरे, गिरते को संभालना हमारा स्थिति का। जी जी, नमस्ते जी। बहुत साधारण आमंत्रित श्रीमान विपिन जी, श्रीमती विपिन जी, आइन समुंडर मुंबई। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं इस जीवन में जो हम सुख दुख भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन इस जीवन में हम ऐसा क्या करें जो हमसे अनजाने में गलती होती है, उसके हम यहाँ पर कैसे उससे मतलब पश्चाताप करें उसका, कि आगे हमें भुगतना ना पड़े। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विपिन भाई का भी जोरदार अभिनंदन कर दूँ। ये हमारे गुणायतन के परियोजना निर्देशक है और इनके देख रेख में यहाँ का निर्माण कार्य, खासकर साधना वसति का और संत निवास अभी पूर्णता की ओर है, संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, एक बार पुनः इनका अभिनंदन करिए। आपने जो सवाल किया कि पूर्व जन्मों के कृत्यों का फल हम वर्तमान में भोगते हैं, वर्तमान में हमसे जो कुछ भी बुरा कृत्य हुआ है जाने अनजाने में, उसका हम कैसे पश्चाताप करें, उसकी कैसे सफाई करें ताकि आने वाले दिनों में ना भोगना पड़े, कुछ यही पूछना चाह रहे। सीधी सीधी बात है, इस हॉल को कचरे से फ्री रखना है तो दो काम करो। पहला, चारों तरफ शीशे इस तरह से जड़वा दो कि डस्ट फ्री हो, डस्ट प्रूफ हो जाए, और दूसरा झाड़ू और वाइपर लगा करके बिल्कुल साफ कर दो। और साफ करना है तो वैक्यूम क्लीनर लगा और वैक्यूम से प्रेशर देके साफ कर दो। यही है ना उपाय। अपने जीवन के साथ भी यही है, पहला काम उन द्वारों को बंद करो जिससे पाप आता है। जागरूक बनो, व्रतों को अंगीकार करो, और दूसरा त्याग तप की झाड़ू ऐसी लगाओ कि हमारी चेतना एकदम क्लीन हो जाए। समझ में। प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से जाने अनजाने में अनेक प्रकार के दुष्कृत हो जाते हैं। जैसे आभास हो कि ये दुष्कृत हुआ है, पहले तो अपनी निंदा गढ़ा करो, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लो। और यदि वो बुरा काम है, खासकर 5 व्रतों से जुड़ा हुआ, 5 पापों से जुड़ा हुआ है, तो गुरुओं के पास जाकर हृदय खोले, उनसे प्रायश्चित अंगीकार। हाँ, मेरा भी एक प्रश्न है आज। हाँ, पूछ लो। हाँ, कि स्त्री प्राय को अपने जैन धर्म में मोक्ष पद नहीं मिलता, लेकिन जबकि पुरुषों की अपेक्षा वो पूजा पाठ, व्रत उपवास और दान पुण्य सब स्त्रियाँ ज़्यादा करती है पुरुषों के लिए,
मतलब पुरुषों के मतलब हिसाब से तो फिर उन्हें मोक्ष पद क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि अगर ये लोग फिर चले जाएंगे तो पूजा पाठ कौन करेगा? महाराज जी वो सब करने के बाद भी नहीं मिलता ना महाराज जी। सुनिए सुनिए, आपने बोला स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता तो क्या पुरुषों को मिल जाता है? बोलो। बोलते तो यही है कि पुरुष मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। अगर पुरुष को मोक्ष मिलता तो सब पुरुषों को मोक्ष मिल जाना चाहिए। मोक्ष न स्त्री को मिलता है न पुरुष को मिलता है, मोक्ष तो उसको मिलता है जो बीज रागी निर्गंथ होता है। स्त्री को मोक्ष का निषेध इसलिए नहीं कि वो स्त्री है, मोक्ष का निषेध केवल इसलिए कि वहां पर वह पूर्ण बीज रागता और निर्गंथता नहीं है, और जब तक पुरुष में भी वो पूर्ण बीज रागता और निर्गंथता नहीं होगी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए देह बुद्धि छोड़ो और विदेह होने का रास्ता अपनाओ। ये मत सोचो कि कोई एक स्त्री अनादि से स्त्री हो और जो पुरुष है वो अनंत काल के लिए पुरुष बना रहेगा। अनंतों बार हमने ये चोले बदले, आज जो पुरुष है अनंतों बार स्त्री और नपुंसक हो चुके, और जो स्त्री हो अनंतों बार नपुंसक और पुरुष भी बन चुके। इसलिए देह भाव से ऊपर उठकर हम बीच राग भाव की पुष्टि करें। उपस्थित हो कोतमा से भक्तांबर मंच के सभी भैयाजन। गुरुदेव के चरणों में कोतमा जैन समाज या भक्तांबरियो मंच का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम सब युवा पीढ़ी वर्तमान में धन प्राप्ति के लिए व्यापार व नौकरी में लगे रहते हैं। हमारी रुचि धार्मिक कार्यों में धर्म के प्रति रुचि कम होती है, ऐसा क्यों होता है और रुचि कैसे बढ़ाएं हम? देखिए, व्यापार व्यवसाय तो आज के लिए क्या हमेशा के लिए ज़रूरी है? पुराने समय में भी सभी लोग व्यापार व्यवसाय करते थे। अगर वो गृहस्थ हैं वयस्क हुए तो व्यापार करते थे, और व्यापार करने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार देश विदेश भी जाया करते थे। तो व्यापार करना कोई बुरा थोड़ी है, व्यापार करो। धर्म के प्रति रुचि कम, सुनो तो जो बोल रहा हूँ, व्यापार करो, लेकिन क्या करो? धर्म पूर्वक व्यापार करो और व्यापार करके धर्म करो। यानी धर्म पूर्वक व्यापार करने का मतलब है नीति नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ व्यापार करो, और दूसरी बात, व्यापार करने के साथ साथ धर्म ध्यान को मत भूलो। ये मान के चलो व्यापार मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं, पर हमें हमारा साध्य धर्म है जो हमें उसे अपनाना चाहिए। मेरा धन धरा रह जाएगा पर धर्म ही साथ जाएगा, ये विश्वास अगर अंदर बैठ जाए तो फिर उस व्यक्ति को धर्म की रुचि बढ़ाने के लिए ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर जैसे आज के टाइम में ऑफिस में या फिर कॉलेज में जब युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी हमारे जैसी जाती है, तो वहाँ पर अगर बाकी लोगों को जैन धर्म और जैन धर्म के बारे में समझाना हो तो सरल तरीके से कैसे समझाना चाहिए? चार वाक्य कहो। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। पहली बात, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा अपनाने की बात करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सहज शांत संयत और संतुलित जीवन जीने का रास्ता बताता है, और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को सब प्रकार के आडंबर और रूढ़िवाद से मुक्त वैज्ञानिक जीवन दर्शन देता है। ये चार बातों को व्याख्यायित कर दो, लोगों को जैन धर्म समझाने के लिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर बीतन जी, बीता अग्रवाल मासी से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी छुल्लक जी को छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुनि महाराज जी को दिगंबर साधु को आहार देते समय मन में किस तरह के भाव सावक को होने चाहिए? बस ये भावना भाव, भगवान कब ये मौका है कि मैं भी आहार ले सकूं? ठीक है। और दूसरा भाव, मेरे द्वारा दिया गया आहार
महाराज के रत्नत्रय की वृद्धि का कारण बने। वे इसके बल पर अपनी साधना का निर्बाध पालन करते हुए, आराधना करते हुए परम धाम को प्राप्त कर सके। नमस्ते महाराज। वसु जैन झांसी से उपस्थित हूँ, प्रमाण समूह के मेंबर। महाराज जी, 6 साल से प्रमाणिक समूह के जरिए धर्म प्रभावना करके अपना पुण्योदय कर रहा हूँ और साथ में पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार धर्म प्रभावना की या पंचकल्याणक महोत्सव की या साधु संघों के प्रवचन की खबर जब हम लिखते हैं तो हमें उसमें सम्मान सूचक शब्द कई बार नहीं लिखना पड़ता है, जैसे परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी, तो अखबार की भाषा में हम परम पूज्य नहीं लिख सकते, लेकिन इससे आत्मग्लानी होती है। तो इसका क्या मुझे पाप लगता है और धर्म प्रभावना से क्या मुझे पुण्य बंध होगा? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जो जिस भाषा में समझ सके उसको उसी भाषा में बोलना चाहिए। आचार्य कुंद खुद ने लिखा, जह नभिषक कमनत जो अनत जभाषम बिने दुगा बिना दुगाहे दुम तब अवारे ने बिना परमत तो उदेशन मशक्कम। तो अखबार के लिए जब लिख रहे हो तो अखबार की भाषा लिखना, और व्यवहार के लिए जब बोलो तो व्यवहार की भाषा बोलो। अगर इस चीज को देख करके तुम लिखना बंद कर दोगे तो अपने तत्व को पहुंचा नहीं पाओगे, इसलिए उसको उसी भाषा में लिखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आई सुन मीनू जी मुंबई से। नमस्ते महाराज जी, समस्त मुनि संघ को मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन का उद्देश्य कहा जाता है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और उसके लिए संसार का त्यागना जरूरी है। मेरा प्रश्न ये है कि आज मान लो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं राष्ट्रहित और जनहित करूं, और वर्तमान परिस्थिति में ऐसा लगता है कि कोई भी राष्ट्रहित का काम करने के लिए पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे हमारे जैन समाज के बहुत लोगों को भी पॉलिटिकल पावर में आना बहुत ज़रूरी है, तो लेकिन ये मन में एक लगातार द्वेष चलता है कि क्या हम संसार में रह के राष्ट्रहित और जनहित का कल्याण की का काम करें, या फिर हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए संसार का त्याग करें और वैराग्य की भाग। तो हमें प्राथमिकता किस चीज़ को देनी चाहिए? अगर तुम्हारे हृदय में वैराग्य प्रबल होगा तो ये सवाल ही नहीं उठेगा, निकल पड़ोगे, और निकल नहीं पा रहे हो इसका मतलब वैराग्य नहीं है, और जब वैराग्य नहीं है तो जितना अच्छा कर सकते हो करो, और अगर कोई इस भाव से लोकहित समाज हित या राष्ट्रहित की बात सोचता है तो बुरा नहीं है। बैरागी के लिए आत्महित और रागी के लिए लोकहित समाज हित राष्ट्रहित है, देख लेना। धन्यवाद। आइए दिल्ली से राहुल जी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरा भी है, और दिल्ली से आए 700 लोग दिल्ली से आए हैं गुरुदेव, सबका ये प्रश्न है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि बुंदेलखंड ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि गुरुदेव आचार्य श्री और आचार्य संघ के साधु सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में रहते हैं, ऐसा कौन सा पुण्य किया, और हम दिल्ली वाले गुरुदेव ऐसा कौन सा पुण्य करें जो हमें भी आचार्य श्री जी का और आचार्य संघ के किसी साधु का हमें भी लाभ मिले। गुरुदेव, हमारी ये प्रबल भावना है, गुरुदेव हम कौन सा पुण्य करें ऐसा, आप हमें जरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखो, बुंदेलखंड ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि ज़्यादातर साधु संघ वहाँ रहा, मैं इसे पलटा देता हूँ, बुंदेलखंड ने ज़्यादातर साधु संघ दिए कि नहीं दिए? जो देगा वो पाएगा कि नहीं? दिल्ली के कितने साधु हैं गिनती के? गुरु वहाँ सबसे ज़्यादा भ्रमण करते हैं, इसलिए उनका निमित्त मिलता है गुरुदेव उनको, हमें भी निमित्त मिले तो हमारे दिल्ली से भी निकले गुरुदेव। बिल्कुल, अभी जब तक तुम्हारे यहाँ निमित्त नहीं मिले तुम तो निमित्त मिला सकते हो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। संस्कार ही हमारे जीवन को समुन्नत बनाते हैं, और बुंदेलखंड में वो संस्कार रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनको ये लाभ मिल रहा है। चलिए, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुलक सी आदर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। जैन कुल में जन्मे व्यक्तियों को 3 कुलाचारों का पालन करना चाहिए। देखने में आ रहा है महाराज जी की युवा पीढ़ी कुछ तो आज की परिस्थिति बस जैसे वो बड़े शहरों आदि में रहते हैं
तो इन कुलाचारों का पालन नहीं कर पाते। तो आपसे प्रश्न जिज्ञासा ये रखते हैं कि ये युवा पीढ़ी किस प्रकार इन कुलाचारों का पालन वर्तमान स्थिति को देखते कर सकें, कृपया मार्गदर्शन करें। कुलाचारों नहीं कुलाचार, तीन कुलाचार नहीं, कुल के आचार्य का नाम ही कुलाचार। कुलाचार एक बड़ा व्यापक शब्द है। कुलाचार का मतलब होता है कुल क्रमागत आचार, ऐसा आचार जो हमें किसी से सीखना न पड़े, जो हमें परंपरा से संस्कार से मिल जाए। मद्य मांस मधु का परित्याग, ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। रात्रि भोजन का त्याग, ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। पानी छान कर पीना, ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। जीव दया का पालन करना, ये हमारे कुलाचार का हिस्सा। परमेष्टि की आराधना, नमोकार मंत्र का आराधन और 24 तीर्थंकरों की आराधना, ये सब हमारे कुलाचार का हिस्सा था। समय काल बदला और धीरे धीरे शिथिलता आने लगी तो कुलाचार भी सिमटने लगा। और अब मद्य मांस मधु और पंच उदंबर फलों का त्याग अष्टमूल गुण के साथ कुलाचार हो गया। परमेष्टि आराधना, पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग आदि से आप लोग विमुख होने लगे। और कतिपय लोग तो मद्य मांस मधु के सेवन में भी रुचि लेने लगे, बल्कि प्रवृत्त हो गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसे दूर करना चाहिए। ये हमारे पतन का कारण है। जिस कुल में कुलाचार का पालन होता है वहाँ कभी दुराचार प्रकट नहीं होता, और कुलाचार की उपेक्षा होने पर दुराचार से बचा नहीं जा सकता। वर्तमान में दुराचार की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, उसके दुष्परिणाम भी हम सबके सामने दिख रहे हैं। इसलिए इस परिणाम को रोकना चाहिए। कुलाचार के प्रति हम खुद प्रतिबद्ध हों और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रतिबद्ध करें। अब ये आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब बिगड़ गई। कुलाचार के संदर्भ में पहले कहा जाता था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपने कुलाचार में ज़्यादा दिल रहती, लेकिन अब ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिलाओं में भी दुराचार की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी एक भाई ने मुझसे कहा, उसने अपने बेटे की संबंध की कहीं बात की तो एक दो संबंध के प्रस्ताव को उन्होंने इसलिए नकारा, बल्कि उसने बोला 5 प्रस्ताव आए और 5 में 4 प्रस्ताव ऐसे थे जिसमें लड़कियां कहती थी कि हम शराब लेते हैं, आपको लेना होगा। लड़का उसका पढ़ा लिखा IITian, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के समय नहीं लिया तो अब क्या लेंगे। बोले कोई बात नहीं, शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा निभा सकते हैं। ये आज का तस्वीर, आज की तस्वीर, ये उस युग में जिस युग में गुरुओं का समागम है, जिस युग में सानिध्य मिल रहा है, प्रवचन हो रहा है, लेकिन वातावरण ऐसा बिगड़ रहा है जो घोर चिंता का विषय है। गृहिणी से घर में धर्म पलता है। आज की युवतियां पढ़ लिख रही है, बहुत उत्तम बात है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के साथ यदि वो संस्कारों से विमुख होगी तो कुलाचार का क्या होगा? कहां जा रही है समाज? हो सकता है कुछ युवतियाँ इस हमारे इस बात से आपत्ति करें कि महाराज ये जिम्मेदारी लड़कियों की ही क्यों, लड़कों को भी तो होना चाहिए, जब लड़के पी सकते हैं तो लड़कियाँ भी पिएगी। मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक पुरुष भटके तो महिलाओं ने उन्हें संभाला, अब महिलाएं भटक जाएगी तो कौन संभालेगा? रसातल के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। उन्हें समझना चाहिए, इस अंधानुकरण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ऑकेजनल जो इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है बहुत गलत है। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में शराबबंदी हुई और उस समय शराब की शुरुआत हुई, मैं एक स्थान पे था और
अखबार में न्यूज छपा उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां शराब की दुकान पर लाइन लगाए खड़ी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया ने भी दिखाया। ये समाज के तस्वीर को दर्शा रहा है, ये कुलाचार के घोर उपेक्षा का दुष्फल है। हम कहाँ ले जाएंगे धर्म को, कहाँ जाएगा धर्म, कैसे जाएगी परंपरा, क्या होगा? इसलिए संकल्पित होना चाहिए, हमें इनका नाम लेना भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। सेवन तो बहुत दूर की बात है, जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन्हें जागना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। कुलाचार के प्रति हमें दृढ़ रहना है, और उसमें भी क्रमशः कम से कम मद्य मांस मधु और पंचउदंबर फलों के परित्याग के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी जैन होने का मतलब होगा। केवल नाम का जैनी होने से कोई अर्थ नहीं, तुम्हें जैन कुल में जन्म लेना का सौभाग्य मिला है, तो जैनत्व को आत्मसात करो, जिससे जीवन सफलीभूत हो सके और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। केवल ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो ताल ठोक कर आगे आने की जरूरत है, और ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336973720219। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com।